मित्रों, आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा उपाय जिस उपाय से कोई भी रोगी हो और कैसा भी रोग हो उस रोग में लाभ मिलेगा, वह रोग दूर चला जाएगा और व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है यदि यह हमारे द्वारा बताया जाने वाला उपाय यदि आप उपयोग में लेंगे तो सभी प्रकार के व्याधि कष्ट रोग निवारण हो जाएंगे। दोस्तों, करना आपको ये है कि आपको जो है प्रतिदिन 21 दिन तक ये उपाय आपको करना है और आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी यदि स्टील की हो तो बेहतर है, या फिर तांबे की हो इस प्रकार से, या फिर कांसे की हो। इन कटोरियों में से किसी एक कटोरी में आपको जो है शुद्ध जल भर लेना है और गंगा जल मिला लेना है और अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखना है उस कटोरी को, और हथेली पर रख करके आपको जो है दाएं हाथ से आपको उस हथेली को यानी कि कटोरी को ढक लेना है सीधे हाथ से, और उसके बाद में श्वास को खींच करके, अपने श्वास को रोक करके ब्रह्मरंध्र में और आसन में बैठ करके आपको ये करना है और इस मंत्र को आपने बोलना है। 7 बार अगर हो सके तो बोल पाएं, अदरवाइज 1 बार या 3 बार भी चलेगा। तो आपको मंत्र बोलना है उस समय, ओम माम भयात सर्वतो रक्षा, श्रियं वर्धय सर्वदा, शरीरारोग्यमे हि देहि, देवी देवी नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको 7 बार उच्चारण करना है और उच्चारण करने के बाद जो है श्वास छोड़ देनी है, और उसके बाद जो है इस जल को अभिमंत्रित, ये जल हो गया है, यदि आप स्वयं रोगी हैं तो आप स्वयं इसे पीजिए, और स्वयं नहीं है तो जो रोगी है उसे जो है इस जल को पिला दें, और उसके बिस्तर पर और उसकी दवाइयों पर भी इस जल को थोड़ा थोड़ा सींच दें और घर में भी थोड़ा थोड़ा इसे छिड़क दें। 21 दिन तक ये प्रयोग यदि आप करेंगे तो ज़रूर आपके घर से वह रोग चला जाएगा, वह रोगी शुद्ध हो और उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही पीड़ाएं दूर होंगी। तो ये आपको 21 दिन करना ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप रोगी की कुंडली हमें सेंड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं उनकी कुंडली दिखाने के लिए, प्रेडिक्शन जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।